तो क्लिप कर दीजिए आप लोग। Actually, this kind, you know, of inauguration itself is a submitting of memorandums. Me, our guest of chief guest sir, को मैं थोड़ा सा highlight करना चाहेगा कि हमारा जो लड़ाई किस तरह से शुरू है, किस तरह से हम लोग का problems है. ये क्योंकि हम लोग जो है totally हम लोग central body CB रखता है. CB मतलब कोई पहले हम लोग का CEC था, central executive committee. इस तरह का रखा था. तो हम लोगों ने जब से इसका ISSE रखा है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, पहले हम लोग का प्री प्राइमरी स्कूल से लेके हम लोग का लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग क्लास 8 तक शिफ्ट किया गया था. लेकिन जब से ये अपग्रेडेड हो गया, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन जब से बनाया गया है, हम लोग का टीचिंग करने का कैपेसिटी को गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड ना वो अपग्रेड कर दिया. नाउ हम लोग का प्री प्राइमरी लेवल टू हम लोग का हायर सेकेंडरी क्लास 12 तक पढ़ाने का हम लोग को बनाया गया है अभी लेवल ऑफ टीचिंग का. नाउ PRT, DGT इनको आप हायर सेकेंडरी लेवल तक कहीं भी आप पोस्टिंग कर सकता है. पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में पोस्टिंग नहीं कर सकता था, वो इलीगलिटीज माना जाता था. लेकिन अभी इनको जब से ISSE आ गया, वो जब जोर दिया गया है, तो तब से हम लोगों को लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग को प्री प्राइमरी स्कूल लेवल से लेके हम लोग को क्लास 12 तक का वहाँ तक का लेवल को हम लोग को अपग्रेड कर दिया. कर रहे हो आप, किसी का भविष्य को बना रहे हो और किसी का कैरेक्टर इंटीग्रिटी उसको आप डेवलप कर रहे हो. नॉट ओनली बुक इज टीचिंग, आपको जब क्लासरूम में आप कैसे बात करते हो, कैसे ड्रेसिंग करते हो, कैसे चलते हो, ये अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम भी 15-20 बच्चे खूब नोटिस करते हैं. तो यू बिकम ए रोल मॉडल. तो इसलिए जब आप इस प्रोफेशन में हैं तो हर चीज़ ध्यान रखिए क्लासरूम के अंदर में और बाहर में भी, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है. आप सब भी पहले स्टूडेंट थे, हम सब भी स्टूडेंट थे, तब देखा है कि हम बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं. उसी प्रकार आज आप टीचर हैं तो आपको बहुत बच्चे फॉलो करेंगे, तो उसको थोड़ा केयरफुल रहना है. इसको वहाँ नीचे दिन में बना में इसमें बैठे कब जाता तुम ऐसा. ये ऑफिस जो आशा था पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का इनोग्रेशन हुआ है आज. तो बेसिकली ये एक टीचर्स लोग का, ये लोग अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है SSA या अभी क्या हो गया ISSE है ये. तो स्कूल आवर्स के बाद में यहाँ में टीचर्स लोग गैदरिंग करके अपना पॉलिसी प्रोग्राम या एक तरफ से रिक्रिएशन टाइप का भी होगा. तो इसलिए ऑफिस तो अच्छा है, सही है, सही डिसीजन लिया है इन लोगों ने. सर आपका तरफ से क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगा ये लोगों के लिए? मेरा एडवाइस तो ये है कि एक नंबर प्रायोरिटी दीजिए अपना जो प्रोफेशन को लेकर. टीचिंग जो है काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, तो जो ड्यूटी है और अपना जो बच्चों को पढ़ाना है उसको सही ढंग से कीजिए. उसके बाद दूसरा जो आपका जॉब का जो रेगुलराइजेशन का बात उनने उठाया था मीटिंग में, तो उसको लेके सरकार अवेयर है और इसमें शायद आगे चलकर अभी रेगुलराइज तो पेस वाइज कर रहा है, लेकिन उनको चाहे कि थोड़ा स्पीड बढ़े और या तो नंबर्स बढ़े. तो उसके लिए शायद अभी जो सरकार है पेमा खांडू जी का सरकार जो है, पब्लिक का जो भी सही इशू है उस पर काफ़ी एक्टिवली काम करता है. तो शायद इनका भी जो प्रॉब्लम को सही ढंग से पहुँचाने से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा. सर आसाता सीबी लोगों ने एक मेमोरेंडम रखा, तो उसको उसका बारे में क्या कहना चाहिए?
उस मेमोरेंडम का हिसाब से मैंने बोला कि उसमें जो भी कंटेंट है रेगुलेशन का ही था, तो उसको मैं सरकार में सही जगह पे पहुंचा दूंगा ऐसे पार्टी स्पोक्स पर्सन के हिसाब से भी एंड एस एन एल्डर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, और सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इनको मतलब सही ढंग से और तुरंत सॉल्व किया जाए। थैंक यू। आज हम लोग का ये 18 दिसंबर 2022 हम लोग ये आज ऑफिस इनोग्रेशन प्रोग्राम हेल्ड किया था, तो इसी का चलते आप लोग को जितना भी हमारा टीचिंग एसएससी टीचिंग फ्रेटर्निटी टीचर्स लोग को हम ये बोलेगा कि आप लोग का अभी कुछ भी टेंशन नहीं है, तो कोई भी ऑफिस का काम अगर होता है तो आप लोग सीधा यहाँ में हम लोग ऑफिस में आ जाइए, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है आप लोग का सीनियरिटी लिस्ट का ना, तो अभी इन फ्यूचर में भी जो भी काम होगा तो आप लोग सीधा ऑफिस में आके हम लोग को संपर्क कर सकता है एनी टाइम। हम लोग आफ्टर ड्यूटी का बाद में हम लोग एनी टाइम अवेलेबल होगा। तो आज हम लोग का ये ऑफिस एड्रेस जो ये है कि वाइल डेमू से आने वाला लोग के लिए ये बागेती नाली नहीं पहुंचने से पहले ये जूरी अपार्टमेंट का बिल्डिंग का जस्ट अपोजिट में है, तो और निर्जली से अगर निर्जली से डेमू जाएगा तो बोलने से तो राइट साइड पर पड़ेगा। तो आज का प्रोग्राम इतना ही था, तो हमारा जितना भी ये जॉइंट सेक्रेटरी और हमारा एजुकेटिव मेंबर्स लोग को भी हम सबको कंग्रेचुलेट करता है कि आज हम लोग का ऑफिस इनोग्रेशन हुआ है। वैसे तो हम लोग का एसएससी टीचर्स का अभी तक तो ऑफिस तो नहीं है, तो हम लोग सोचा है कि चलो एक ऑफिस ही बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो घर घर में कितना मीटिंग बैठेगा ना अपने आदमी का घर में, तो इसलिए हम लोग सोचा है कि ऑफिस ही बना लेगा कि जो भी प्रोग्राम पॉलिसी को चेकआउट करने के लिए। तो इसी के चलते हम लोग ये आज प्रोग्राम बनाया था। तो वंस अगेन सबको हम जितना भी हमारा टीचिंग फ्रेंड्स लोग को थैंक यू बोलता है जो आज प्रोग्राम में अटेंड किया है हुई था बोलने के लिए। हिस्टोरिक प्रोग्राम में ये हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट ये रिनाउंस पर्सन ये श्री नाबम विवेक बीजेपी स्पोक पर्सन भी हम लोग का ये आज यहाँ में चीफ गेस्ट का तौर पर आया था, और उसने हम लोग को वादा किया है कि कंप्यूटर सेट देगा बोला है, तो उसी का चलते हम लोग एसएससी टीचिंग प्रतिनिधि स्पेशली फ्रॉम पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से हम सबको ये बताना चाह रहा है कि हमारा विवेक सर हम लोग को कंप्यूटर देगा, तो इसलिए थैंक यू बोलता है हमारा टीचिंग विवेक सर को भी स्पेशली हम लोग का ये टीचिंग प्रतिनिधि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का तरफ से ना, तो वही हम बोलेगा। तो यही था आज का मैसेज। आशा था ये हमारा एक्चुअली ये आज ऑफिस का ये इनोग्रेशन में हम लोग एक्चुअली सेंट्रल बॉडी का हम लोग एक्चुअली नहीं बनाया था, हम लोग ओनली डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हम लोग ऑफिस इनोग्रेशन बनाया है, मैंने हेल्थ प्रोग्राम हेल्प किया था ये ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान टीचर्स ये एसोसिएशन का ना, तो ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का ऑफिस इनोग्रेशन हुआ है। तो यही था हमारा प्रोग्राम का आज का।